गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। Too late. कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? किस अंदाज में नजर आएंगी एक्ट्रेस रेनू देसाई? क्या शूटिंग सेट पर पहुंचकर खुश हुई रेनू? क्या है इस फिल्म की कहानी? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो मजाकिया पर हटके अंदाज और एक्शन अवतार के कॉम्बो पैक के लिए काफी स्टार्स फेमस है, पर इन सब में तेलुगु एक्टर रवि तेजा का नाम ना लिया जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका तो स्टाइल ही अलग है, इसीलिए तो ऑडियंस उन पर फिदा है। और अब ऑडियंस और भी खुश होने वाली है क्योंकि रवि अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म जिसका नाम है टाइगर नागेश्वर राव को लेकर हाजिर होने वाले हैं। है ना बढ़िया बात? वैसे ये एक बायोपिक होने वाली है उस इंसान की जो 1970 का मशहूर चोर कहलाया गया, जिसका नाम है नागेश्वर राव, जिसे स्टुरनपुरम गांव का मशहूर चोर बुलाया गया। और चेन्नई जेल से भाग जाने के बाद इसके एटीट्यूड को देखकर लोगों ने उसे टाइगर कहना शुरू कर दिया। अब रवि इसमें कौन सा किरदार निभाएंगे ये तो आपको पता चल चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, नागेश्वर का खतरनाक किरदार। इसके आगे की खबर ये है कि एक्ट्रेस रेनू देसाई भी फिल्म का हिस्सा बन चुकी है और वो सेट पर पहुंच चुकी है। उन्होंने आज से ही शूटिंग की शुरुआत की है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेनू सेट पर पहुंचने के बाद काफी खुश थी क्योंकि वो एक पैन इंडिया फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है और साथ ही उनका एक दमदार किरदार भी होने वाला है जिसका वो बड़े अरसे से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, रेनू के किरदार के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगी। अब जर्नलिस्ट का किरदार है इसका मतलब पावरफुल अंदाज होगा ही, और ये जर्नलिस्ट नागेश्वर यानी रवि तेजा के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। रेनू एक दमदार एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एडिटर और प्रोड्यूसर भी है। दोस्तों, अब इस पैन इंडिया फिल्म को एक और शख्स भी ज्वाइन कर चुके हैं जिनका नाम है नेशनल अवार्ड विनर एक्टर अनुपम खेर। जी हाँ, इस फिल्म में अनुपम जी के साथ एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन और गायत्री भारद्वाज भी नजर आने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर वामसी ने बताया कि रवि तेजा की एनर्जी को हम सब जानते हैं, वो एक वर्सटाइल एक्टर है, किसी भी फिल्म के लिए और किरदार के लिए अपनी लैंग्वेज और टोन को आसानी से बदल सकते हैं और वही फॉर्मूला हम आजमाएंगे नागेश्वर के लिए। दोस्तों, ऑडियंस ये फिल्म देखते वक्त रवि तेजा को ढूंढती रहेगी क्योंकि वो नागेश्वर बनकर ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हैं, रवि तेजा बनकर नहीं। और हमारे लिए इस फिल्म को सुपरहिट बनाना जरूरी है क्योंकि ये रवि तेजा के करियर की पहली पैन इंडिया फिल्म है और इसीलिए वह इस फिल्म के लिए राजी हुए हैं। दोस्तों, वैसे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अभिषेक अग्रवाल अपने अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स बैनर के अंदर। फिल्म के रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर इतना जरूर है कि ये फिल्म काफी धमाका करने वाली है, तो बस आप तैयार हो रहिएगा इस पैन इंडिया फिल्म को देखने के लिए। चलिए, इसके बारे में अपनी राय फटाफट से हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।